जय मां समलेश्वरी। ओडिशार भाई भौणी मानकु मोर जुहार। नुआ वर्ष समस्तक पाई मंगलमय हेउ। ओडिशा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल जी, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उड़ीसा के ही रतन भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रताप सारंगी जी, ओडिशा सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकगण, आईआईएम संबलपुर की चेयरपर्सन श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य जी, डायरेक्टर प्रोफेसर्स महादेव जायसवाल जी, फैकल्टी स्टाफ और मेरे सभी युवा साथियों, आज आईआईएम कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई है। साथियों, आईआईएम संबलपुर का ध्येय मंत्र है नवसर्जनम सुचिता समावेशतत्वम, यानी इनोवेशन, इंटीग्रिटी और इंक्लूसिवनेस। आपको इस मंत्र की ताकत के साथ देश को अपनी मैनेजमेंट स्किल दिखानी है। आपको नए निर्माण को तो प्रोत्साहित करना ही है, सभी के समावेश पर भी जोर देना है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है उसे भी साथ लेना है। जिस जगह पर आईआईएम का परमानेंट कैंपस बन रहा है वहां पहले से मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, 3 और यूनिवर्सिटीज हैं, सैनिक स्कूल भी है, सीआरपीएफ और पुलिस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। जो लोग संबलपुर के बारे में ज्यादा नहीं जानते वो भी अब अंदाज लगा सकते हैं कि आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के बनने के बाद ये क्षेत्र कितना बड़ा एजुकेशन हब बनने जा रहा है। संबलपुर आईआईएम और इस क्षेत्र में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स के लिए सबसे खास बात ये होगी कि ये पूरा इलाका ही एक तरह से आपके लिए एक प्रैक्टिकल लैब की तरह है। ये जगह प्राकृतिक रूप से इतनी भव्य है। ओडिशा का गौरव हीराकुंड बांध आपसे कोई ज्यादा दूर नहीं है। बांध के पास देवरीगढ़ सेंचुरी अपने आप में खास तो है ही, इसके बीच में वो पुण्य स्थान भी है जिसे वीर सुरेंद्र साई जी ने अपना बेस बनाया था। इस एरिया के टूरिज्म पोटेंशियल को और बढ़ाने के लिए यहां के स्टूडेंट्स के आइडियाज और मैनेजरियल स्किल बहुत काम आ सकते हैं। ऐसे ही संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांधा इकत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न, डिजाइन और टेक्सचर बहुत ही खास है। मैं समझता हूं हायर एजुकेशन से जुड़े संस्थानों के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ अपनी एक्सपर्टाइज तक ही फोकस न रहें, बल्कि उनका दायरा व्यापक होना चाहिए। इसमें बड़ी भूमिका वहां पढ़ने आने वाले स्टूडेंट्स की होती है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ब्रॉड बेस्ड, मल्टी डिसिप्लिनरी, होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया गया है। प्रोफेशनल एजुकेशन के समाज के साथ जो साइलोस आ जाते थे उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम राष्ट्र के विकास के लिए हर किसी को मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। ये भी तो इंक्लूसिव नेचर ही है। मुझे भरोसा है आप इस विजन को पूरा करेंगे। आपके प्रयास, आईआईएम संबलपुर के प्रयास आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सिद्ध करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपन मान को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, जीटी रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।